ਸਮਾਂ ਵੇ ਜੇ ਆਲੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਭਰਾਓ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਸੱਟਣੀ ਹੈ ਓਕੇ ਚਲੋ ਬੜੇ ਟੋਯੋਟਾ ਕਰੋਲਾ GLI 2011 ਮਾਡਲ ये जो सेकेंड हाफ़ के अंदर आई थी 2011 के सेकेंड हाफ़ के अंदर पुरानी लाइट्स वाली ओल्ड लाइट्स वाली ये वो गाड़ी है। अस्सलाम वालेकुम उस्मानिया मोटर्स में वेलकम। तो GLI 11 मॉडल हमारे पास अवेलेबल है जिसका जो है ना आज हम रिव्यू लेने वाले हैं। इसको से मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि किस कंडीशन के अंदर ये गाड़ी अवेलेबल है हमारे पास। तो आए ज़रा इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करते हैं इसकी आउटर बॉडी की, जैसे कि आपको ने थोड़ी सी पहले ट्रांजिशन में देखी है। उसके अलावा मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, ये बॉडी वाइज जो है ना गाड़ी 11 मॉडल है उस हिसाब से अच्छी खड़ी है गाड़ी, ठीक है। बॉडी वाइज मैं आपको बताता हूँ कि शाइन के हवाले से और बॉडी के हवाले से गाड़ी माशाल्लाह बेहतरीन है कंडीशन में। हमारे पास इसकी डिग्गी जेन्युइन है, हमारे पास इसकी छत जेन्युइन है। उसके बाद जो है ना अगर हम बात करते हैं बोनेट की, तो हमारा बोनेट भी इसका जेन्युइन है। तो जिसे आप मतलब है ना 11 मॉडल के अंदर आज से 11 साल पुरानी गाड़ी है, तो इसके अंदर जो जो चीज़ें एक मतलब है मैटर करती है ना, तो वो इसके अंदर जो है ना अपनी ओरिजिनल कंडीशन के अंदर है। ये देखें सीट्स की जो है ना कोशिश। उसके बाद जो है ना इंटीरियर इसका देखें, इंटीरियर में भी माशाल्लाह जो है ना गाड़ी बहुत परफेक्ट खड़ी है। उसके बाद मैं आपको इसका इंजन दिखाता हूँ। तो अब आ जाते हैं हम इंजन पे। इंजन की अगर बात करें हम, तो इंजन आप देखें कि इंजन भी माशाल्लाह इसका जो है ना बेहतरीन कंडीशन के अंदर है। अच्छा यहाँ से आप इसकी सील देखें कि सील इसकी जो है ना ओरिजिनल कंडीशन के अंदर और बेहतरीन कंडीशन के अंदर, और बोनेट की कंडीशन भी आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है ना बिल्कुल एक नई गाड़ी की जो है ना लुक दे रहा है, हालांकि ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन के अंदर है। ये देखें तो उसके बाद सील्स भी इसकी ओरिजिनल है। उसके बाद मैं आपको गेट्स की सील दिखाता हूँ। ये इस गेट की है, अगले गेट की है। ये देखें आप, थोड़ी बहुत ख्राशिज हैं, वो ज़ाहरी बात है पुराना मॉडल है 11 मॉडल है, थोड़ा बहुत जो है ना उसके अंदर है ख्राशें वगैरह, बट सीलें ओरिजिनल कंडीशन के अंदर है, ना ही रीपेंट है अंदर से कुछ। अच्छा इस गेट की सील देखें आप, मैंने फ्लैश लाइट ऑन कर लिए ताकि जो है ना आसानी से जो है ना हम आपको इसका रिव्यू करा सकें। लेफ्ट साइड में अगर हम गेट्स की सील देखते हैं, तो ये देखें आप, ये कंडीशन है लेफ्ट साइड की। ये लेफ्ट साइड के जो है ना इस गेट की जो है ना आपको सीधे दिखा रहा हूँ। काशिश डिगी खोलनी तो डिगी दिखाओ वीडियो। तो ये मैं आपको जो है ना डिगी दिखाता हूँ इसकी, इसकी डिगी की सीलें। और ये देखो आप, ये कंडीशन है इसकी सीलों की। आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास और गाड़ियाँ भी अवेलेबल होती हैं, जैसे कि वैगनार हो गई, आल्टो हो गई, GLI हो गई। तो हमारे पास जो है ना सुजुकी, टोयोटा, होंडा की गाड़ियाँ अवेलेबल होती हैं, जिनकी वीडियोस मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे डालता रहूँगा। तो आप हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लें और उस्मानिया मोटर्स जैकतपुर ज़रूर विज़िट करें अगर आप गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।